हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर वास्तव में क्या होता है तो कंप्यूटर के जो भी यांत्रिक वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक जो भाग हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं या यूँ कह सकते हैं हम कि किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग जिसे आसानी से छू करके हम महसूस कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग और जो ए, कंट्रोल डिवाइस हैं वो हार्डवेयर ही होती हैं तो अपन जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाइयों के बारे में बात करें तो इसमें नॉर्मली तीन तरह की इकाइयाँ आती हैं एक इनपुट यूनिट जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू जिसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और लास्ट आउटपुट यूनिट इसके अंतर्गत आती हैं तो यहाँ हम सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है देखिए हार्डवेयर विच इज़ एब्रीवेटेड एच एच डब्लू रेफर्स टू ऑल फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट यानी सारे के सारे जो भी फिजिकल कॉम्पोनेंट हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिसके अंदर जो डिवाइस इससे कनेक्टेड हैं बाहरी रूप से वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं हार्डवेयर कहलाती हैं इसको नॉर्मली हम कैपिटल एच डब्ल्यू से डिनोट करते हैं यू कैन नॉट क्रिएट ए कंप्यूटर और यूज सॉफ्टवेयर विदाउट यूजिंग हार्डवेयर तो हम हार्डवेयर के बिना न तो कंप्यूटर को क्रिएट कर सकते हैं और ही उसके बिना सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जैसे हम बात करें कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जिसके ऊपर हम रीड कर रहे हैं वो भी क्या है एक हार्डवेयर ही है नेक्स्ट हम बात करें हार्डवेयर अपग्रेड के बारे में तो हार्डवेयर अपग्रेड जो है वो क्या होता है देखिए तो ए हार्डवेयर अपग्रेड रेफर्स टू ए न्यू हार्डवेयर और ए रिप्लेसमेंट फॉर द ओल्ड वन और एडिशनल हार्डवेयर डेवलप टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग हार्डवेयर तो हम बात करें हार्डवेयर अपग्रेड क्या है या तो कोई नई हार्डवेयर या उस पुरानी हार्डवेयर जो काम में ले रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट या कोई और एडिशनल हार्डवेयर जो कि पुरानी वाली जो हार्डवेयर है उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने के लिए काम में ली जाती है वो हार्डवेयर अपग्रेड कहलाता है ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए हार्डवेयर अपग्रेड इज ए रैम अपग्रेड दैट इंक्रीजेज द कंप्यूटर टोटल मेमोरी एंड वीडियो कार्ड अपग्रेड वेयर द ओल्ड वीडियो कार्ड इज रिमूव एंड रिप्लेस्ड विथ दी न्यू वन तो इस प्रकार हमने देखा कि जैसे रैम अपग्रेड की बात करें तो कंप्यूटर की टोटल मेमोरी को इंक्रीज करना हो गया वीडियो कार्ड अपग्रेड की बात करें तो ओल्ड वीडियो कार्ड है उसको हमने रिमूव किया और नया वहाँ पे उसकी जगह पुटअप किया ये सब हार्डवेयर अपग्रेड के अंतर्गत आते हैं यहाँ हम कुछ कॉमनली यूज हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हैं जिनका नॉर्मली हम यूज़ करते रहते हैं उनके बारे में बात करें वैसे तो हार्डवेयर खूब तरह के हमने जैसी चर्चा की उससे ही आपको पता चल गया होगा लेकिन कॉमनली जो काम में ली जाने वाली हैं उनमें एक मदरबोर्ड है सेकंड मोनिटर है थर्ड हमारा कीबोर्ड है और फोर्थ जो है वो माउस है तो देखिए इनके बारे में हम यहाँ वन बाई वन चर्चा करेंगे सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम तो मदरबोर्ड क्या है मदरबोर्ड जनरली ए थिन सर्किट बोर्ड है दैट होल्ड्स टुगेदर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के अलावा जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी पार्ट हैं उनको जो एक बोर्ड होल्ड किए हुए है उसको हम क्या कहते हैं मदर बोर्ड कहते हैं एक तरीके से थिन सर्किट बोर्ड होता है आल क्रूशियल हार्डवेयर लाइक सी मेमोरी हार्ड ड्राइव एंड पोर्ट्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसिस आर लोकेटेड ऑन दी मदरबोर्ड. तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे सी है हमारा मेमोरी है हार्ड ड्राइव है और जितने भी इनपुट और आउटपुट के लिए पोर्ट्स हैं वो सारी के सारे कहाँ पर लोकेटेड होते हैं मदरबोर्ड पर ही लोकेटेड होते हैं इसीलिए इसका नाम देखो मदर है इट इज़ दिग्गेस्ट सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर चेचिस कंप्यूटर चेचिस में सबसे बड़ा एक तरीके से एक सर्किट बोर्ड है उनको पावर सप्लाई करता है और उनको आपस में कम्युनिकेट करता है इट इज मीन टू होल्ड दूटर माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड लेट अदर कॉम्पोनेंट्स कनेक्ट टू इट इट्स कॉम्पोनेंट दैट रानस दी कंप्यूटर और इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इज ए पार्ट ऑफ मदरबोर्ड और कनेक्टेड टू इट थ्रू ए स्लोट और पोर्ट यू कह सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट हैं जो कंप्यूटर को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या कंप्यूटर को रन करवाने में काम आ रहे हैं वो सारे के सारे या तो क्या है मदरबोर्ड के पार्ट हैं या उससे स्लोट और पोर्ट के थ्रू क्या हैं कनेक्टेड रहते हैं देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड बेस्ड ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर की टाइप और साइज के बेसिस पे अलग अलग तरह के मदरबोर्ड्स हो सकते हैं सो ए स्पेसिफिक मदरबोर्ड कैन वर्क ओनली विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर एंड मेमोरी तो इस प्रकार एक स्पेसिफिक मदरबोर्ड है वो एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोसेसर और मेमोरी के साथ ही कार्य करता है नेक्स्ट हम बात करें कंपोनेंट्स की मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ हमने जैसा लिख रखा है कि सबसे पहले सीपीयू स्लॉट है तो सीपीयू स्लॉट क्या काम करता है ये सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए जो स्लॉट होता है वो सीपीयू स्लॉट होता है और एक तरीके से ये मदरबोर्ड और जो माइक्रो प्रोसेसर है उनके बीच में एक लिंक की तरह कार्य करता है और ये जो हमारा सीपीयू है उसको सीपीयू uh, को uh, डैमेज होने से बचाने में भी काम करता है और उसको इस तरीके से लॉक रखता है कि उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो तो वो एक लंबी टाइम तक कार्य करता रहता है नेक्स्ट रेम जो स्लॉट होता है वो मेमोरी स्लॉट या सॉकेट होता है मदरबोर्ड पे, जिसमें हम रेंडम असैस मेमोरी या रैम को इंस्टॉल करते हैं इसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट है जैसा नाम से ही पता चल रहा है इसको बस स्लॉट भी कहते हैं और ये एक तरीके से क्या होता है कि एक्सपेंशन कार्ड की तरह कार्य करता है जिसके थ्रू कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं खूब सारे अदर एक्सपेंशंस को जोड़ सकते हैं जैसे बात करें सीएनआर है पीसीआई है ए एम आर है ए जी पी है ये सारे के सारे नेक्स्ट जो कॉम्पोनेंट है मदरबोर्ड का वो कैपेसिटर है कैपेसिटर वास्तव में क्या है दो कंडक्टिव प्लेट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है और उनके बीच में एक थिन इंसुलेटर होता है जस्ट लाइक ए सैंडविच और ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो प्लास्टिक कंटेनर में रहते हैं तो उसको हम कैपेसिटर कहते हैं इंडक्टर या जो कोयल है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक कोयल है जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज है ये भी एक तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि हमारा जो सीपीयू इंटरफेस है एजीपी है मेमोरी है उनके बीच में कम्युनिकेशन का कार्य करता है यूएसबी पोर्ट है जो कि कंप्यूटर से अदर हार्डवेयर डिवाइस जैसे हम बात करें माउस है कीबोर्ड है उनको कनेक्ट करने में काम में आता है इसके अलावा पीसीआई स्लॉट है जैसा इसका नाम है पेरीफ्रल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट ये जैसे पीसीआई डिवाइसेस डिवाइसेज हैं लाइक मोडेम है नेटवर्क हार्डवेयर है साउंड और वीडियो कार्ड्स हैं उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने में काम में आता है एजीपी जो स्लॉट है ये ग्राफिक कार्ड्स को कनेक्ट करने में काम में आता है और इसकी फुल फॉर्म एसिलेटेड ग्राफिक पोर्ट होती है नेक्स्ट जो है वो हीट सिंक है इट अब्जो एंड डिस्पर्स द हीट जनरेटेड इन ओवर कंप्यूटर प्रोसेसर नेक्स्ट बात करें हम पावर कनेक्टर है तो ये एक तरीके से मदरबोर्ड को पावर सप्लाई के लिए बनाया जाता है और इसके अलावा सीमोस बैटरी है सी बैटरी है ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी होती है जो कि क्या करती है कंप्यूटर जो है उसके अंदर टाइम डेट हार्डवेयर सेटिंग है उन सबको स्टोर करती है तो इस प्रकार मदरबोर्ड के ये कुछ कंपोनेंट्स हमने पड़े नेक्स्ट हम बात करें मोनिटर हार्डवेयर सेकेंड हार्डवेयर जो सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है वो है मोनिटर ए मोनिटर इज ए डिस्प्ले यूनिट ऑफ कंप्यूटर ऑन विच दी प्रोसेस्ड डाटा सच एज टेक्स्ट इमेज एटसेट्रा इज डिस्प्लेड तो ये एक तरीके से डिस्प्ले यूनिट है जिसमें जो प्रोसेस्ड डाटा है वो टेक्स्ट के रूप में या इमेज के रूप में हमें क्या होते हैं डिस्प्ले होते हैं इट कंप्रेजाइजेज ए स्क्रीन सर्किट टी एंड द केस विच इनक्लोजेज दिस सर्क्यूटी द मोनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा भी है चार टाइप के मोनिटर के बारे में पढ़ा था सी आर टी या कैथोड रे ट्यूब मोनिटर इट हैज कैथोड्रे ट्यूब्स विच प्रोड्यूस इमेज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल इट्स मैन कॉम्पोनेंट आर इलेक्ट्रॉन गन असेंबली हमने पीछे बात की थी कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली इसका मेन कंपोनेंट होता है और उसी के बेसिस पे ये मोनोक्रोम और कलर जो सी मॉनिटर थे जिनमें एक में एक इलेक्ट्रॉन गन थी और दूसरे में तीन थी इसके अलावा डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली होती है ग्लास इन्वलप होता है फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है और इसका बेस होता है ये सी मॉनिटर हुआ एल मॉनिटर है जो फ्लेट पैनल स्क्रीन होती है इट यूजेज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इमेज ऑन स्क्रीन ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को इमेज को स्क्रीन पर प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेती है एडवांस जो एल हैं उनके अंदर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं कैपेसिटर के साथ ही, और वो एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो कि पिक्सल्स को ए, रिटेन करने के लिए उनके चार्ज को रिटेन करने की परमिशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं इसके अलावा एलईडी मोनिटर है जो कि एक तरीके से एडवांस वर्जन है एल सी डी कोल्ड कैथोड फ्लोरिसेंट लाइट टू बैकलाइट डिस्प्ले इट हैज एलई डी पैनल या लाइट इमिटिंग डायोड पैनल होते हैं और ईच ऑफ विच हैजोट ऑफ एलईडी दी बैकलाइट नेक्स्ट प्लाज्मा मोनिटर है इट यूज प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट अलाउज़ इट टू प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन अप टू 920 इनटू 1080 वन वाइड व्यूविंग एंगल ए हाई रिफ्रेश रेट और स्टेंडिंग कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड मोर तो इस प्रकार इनका रिजोल्यूशन जो है प्लाज्मा मॉनिटर का वो बहुत ज़्यादा है तो इनसे हम काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं ये कुछ मोनिटर के बारे में बात हुई नेक्स्ट हमारा जो हार्डवेयर डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा काम में आता है वो है कीबोर्ड इस द मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम ये इनपुट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की इट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ यू इनपुट टेक्स्ट करेक्टर्स एंड अदर कमांड्स इन टू ए कंप्यूटर डेस्कटॉप टॉप टेबलेट एट्सट्रा तो ये इस प्रकार से टेक्स्ट या करेक्टर्स या अदर कमांड को कंप्यूटर या डेस्कटॉप या टेबलेट में इनपुट करने में काम में आती है इट कम्स विद डिफरेंट सेट्स ऑफ कीज टू इंटर नंबर्स एंड परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस लाइक कॉपी पेस्ट डिलीट एंटर एटसेट्रा तो इससे हम कॉपी पेस्ट इसके अलावा डिलीट इंटर ये सारे फंक्शंस जो हैं उनको भी कीबोर्ड की सहायता से कर सकते हैं नॉर्मली हम वाउस से भी ये कार्य करते हैं कीबोर्ड के टाइप्स की बात करें तो जो इंडिया में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कीबोर्ड है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई टाइप का कीबोर्ड है जो हमारे यहाँ के लोकल एरिया में केवल यही हम काम में लेते हैं सेकंड जो है ए जेड ई -E आर टी वाई कीबोर्ड है जो फ्रेंच कंट्रीज में ज्यादा काम में आता है और थर्ड जो है डी वी ओ आर ए के कीबोर्ड्स हैं जो टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए कीबोर्ड्स हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं नेक्स्ट हम देख रहे हैं माउस ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा इनपुट डिवाइस है और इसको भी हम हार्डवेयर में यहाँ देखेंगे इट इज़ ए स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस डिज़ाइन टू कंट्रोल और मूव द पॉइंटर कंप्यूटर स्क्रीन्स का जो कर्सर है उसको मूव करने में ये काम में आता है इन ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इट अलाउज़ यू टू पॉइंट टू और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन कंप्यूटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या उसको पॉइंट करने के लिए चिन्हित करने में ये काम में लेते हैं इट इज़ जनरली प्लेस्ड ऑन ए फ्लेट सरफेस एज वी नीड टू मूव इट स्मूथली टू कंट्रोल द पॉइंटर नॉर्मली हम इसको स्मूथ सरफेस पे रख कर मूव करवाते हैं जिससे क्या होता है कि ये इजीली काम कर पाता है टाइप्स की बात करें तो हमने पीछे इनके टाइप्स के बारे में चर्चा की थी बॉल माउस था मैकेनिकल माउस था इसके अलावा ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस आजकल वायरलेस माउस मार्केट में खूब अवेलेबल है जिनको हम बिना वायर की काम में ले लेते हैं तो ये इसके कुछ टाइप्स थे जिनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं नेक्स्ट हम बात करें कि माउस के जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या हैं तो फर्स्ट फंक्शन है मूव द कर्सर इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द माउस टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन माउस का मेन फंक्शन है जो कर्सर है उसको स्क्रीन पर मूव करवाने में काम में आता है ओपन और ए प्रोग्राम नॉर्मली कोई भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट है कोई फोल्डर है या कोई भी प्रोग्राम है उसको ओपन करने में या उससे वापस हटने में माउस का इम्पोर्टेंट रोल रहता है नॉर्मली हम किसी भी फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसको माउस की सहायता से ओपन करते हैं इसके अलावा सेलेक्ट इसका फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को किसी फाइल को या अदर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं माउस की सहायता से नेक्स्ट बात करें होवरिंग होवरिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी क्लिकेबल ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर हम माउस को क्या करें मूव करें माउस को कर्सर माउस की सहायता से कर्सर को मूव कर सकते हैं और उसके द्वारा हम बिना ऑब्जेक्ट पर माउस के बटन को प्रेस किए हुए उसके बारे में हम क्या ले सकते हैं डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो है स्क्रोल इट अलाउज़ यू टू स्क्रोल अप और डाउन वाइल व्यूविंग ए लॉन्ग वेब पेज और डॉक्यूमेंट हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी लंबा हो उसमें बहुत सारे पेज हों तो इसके द्वारा हम उसमें ऊपर नीचे सीधा जा सकते हैं नेक्स्ट हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ माउस की बात करें तो माउस जो हैं उसके पार्ट से उसमें टू बटन्स होते हैं जिनको नॉर्मली हम राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक में काम में लेते हैं इसके अलावा दोनों बटन्स के बीच में एक स्क्रोल वहील होता है जो कि इस्क्रोल अप इस्क्रोल डाउन ज़ूम इन जूम आउट इसमें काम में लेते हैं इसके अलावा जो वायरलेस माउस हैं उनमें बैटरी भी होती है और इन सब के अलावा एक मोशन डिटेक्शन असेंबली होती है जो कि इसके मोशन और लोकेशन को क्या करती है सिग्नल्स के द्वारा कंप्यूटर में डिटेक्ट करती है और कंप्यूटर पे जो हमारा कर्सर है उसको उसी हिसाब से मूव करवाती है तो ये माउस के कुछ पार्ट्स हुए तो इस प्रकार आज हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा अगली क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे तो आज इतना ही थैंक यू